नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिवसीय बैठक प्रयागराज में संपन्न हो गई। इस बैठक के बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें जो मुद्दे उठाए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा जनसंख्या असंतुलन और कन्वर्जन। आपको बता दें कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उससे सुन करके योगी सरकार खुश हो गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने बहुत प्रयास किया था। और अब क्या कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, जरा वो सुनिए। के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या, अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है, एक और 3 भी था। अब कुछ समय पहले जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न 40-50 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा आने वाले वर्षों में बच्चों के युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज़्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में 40 वर्षों में एक असंतुलन है। दूसरा है, हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि आपने सुना वो सर कार्यवाह हैं, आरएसएस में सर कार्यवाह दूसरे नंबर पे आता है। आरएसएस के जो सर संचालक हैं वो मोहन भागवत हैं। उनका साफ साफ मानना है कि जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है, उससे भी नीचे जा रही है और कई जगहों पे असंतुलन पैदा होने लगा है। कन्वर्जन की तरफ वो ध्यान आकर्षित करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं या करा रहे हैं उन्हें आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिले? क्योंकि ईसाई मिशनरीज जिस तरीके से कन्वर्जन कराती है और जो लोग कन्वर्ट होकर के उधर जाते हैं उधर भी जा करके आरक्षण क्लेम करते हैं, तो जब तक ये आरक्षण बंद नहीं होगा तब तक इन मिशनरीज का काम यूं ही चलता रहेगा, लिहाजा इसको लेकर के सख्त कानून होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो जिस वर्ग में आबादी का असंतुलन पैदा हो रहा है उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम योगी भी इस बात के पक्षधर हैं, अपने स्तर पे वो प्रयास करते रहते हैं लेकिन कई बार सूबे की नीतियां केंद्र से भी प्रभावित होती है। वो प्रयास अभी पूरा इसलिए नहीं हुआ था कि उस समय समय कम बचा था। अब प्रयागराज में आकर के आरएसएस की 4 दिन की बैठक होती है और वहाँ पे दत्तात्रेय होसबोले यदि कोई मैसेज देते हैं तो योगी सरकार का खुश होना स्वाभाविक है, खास तौर से सीएम योगी का। देखते हैं कि आरएसएस ने जो कुछ भी ऐलान किया उस पर कब कैसे कौन सी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामने आती है, क्या प्लान लेके आती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।